आप यहीं से हो, खलीलाबाद से? नहीं, मैं हरदी से हूँ। हरदी मतलब यहाँ के आगे है, खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र है। खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र। चुनाव है अभी, 25 तारीख को चुनाव है यहाँ पर। क्या देख रहे हैं इस बार, मुद्दे पर वोटिंग होगी या फिर आंख बंद करके भाजपा वाले भाजपा को, साइकिल वाले साइकिल को और पार्टी वाले और को ले जाकर? नहीं नहीं, इस बार तो मुद्दे पे वोट होगा। अब मुद्दे पे भी मतलब सब वोट डालेंगे भी। अब वोट डालना भाई जिनका जो अधिकार है वो अपने हिसाब से करेंगे। मुद्दा क्या है खलीलाबाद का? खलीलाबाद में बोल रहे हैं हथकरघा उद्योग में बहुत परेशानी आ गई, लोग कमा नहीं पाए। हाँ, ये तो मतलब टेक्सटाइल लाइन तो मतलब इनका रोजगार तो बंद है ही है, एक हिसाब से बंद के बराबर ही है। बंद के बराबर है, लोग के बराबर ही है। प्लान कर गए, सब मशीनें बंद हो गई। अब मेरे समझ से 10% बची होगी, नहीं तो यहाँ का पूरा क्षेत्र जो खलीलाबाद क्षेत्र है वो इसी में मतलब मशहूर था। बरदैया बाजार जो है, अच्छा, कपड़े कितने घरों पे ये काम होता था, अक्सरियत क्या 90% था। 90% पूरे खलीलाबाद में या फिर ये इसी सेक्टर में? नहीं, खलीलाबाद है, मगहर है, ये पूरा मतलब यहाँ से लेकर के मेहदावल है, तुनियाहवा है, सब ज्यादातर जो है का ही काम था। अच्छा। ना अब कपड़े का जो व्यापार है पूरा एकदम बंद हो गया। बरदहिया जाके देख लिया क्या बनता था जैसे इससे, पर तो कपड़े कपड़े में इधर साइड में सब ज्यादा काटन का बनता था, जैसे गमछा हुआ, लुंगी हुई, ये सब चीजें बनती थी। अब जो इसके बंद होने की वजह क्या है, मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी बंद होने की वजह ये है कि जैसे सूत जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो महंगा हो गया। अब कपड़ा जो तैयार कर रहे हैं उसका मतलब रेट नहीं मिल रहा है। अब बाकी जैसे मजदूरी हो गई, सबका ले दे करके जब आदमी को बचेगा नहीं तो करेगा क्या, बंद करके दूसरी रोजगार करेगा ना, तो बंद किया दूसरा रोजगार। अब दूसरा रोजगार का सब निकल गया, जैसे बम्बई हो गया, कहीं और निकल गए थे, हैं सब अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन ये समस्या बड़ी है, मान लीजिए बकरा है, बकरा में बर्तन का कारोबार था, अच्छा, वो भी बंद है। पीतल का बर्तन मशहूर, पीतल 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 तांबा का मतलब मशहूर था, अच्छा, वो भी कारोबार पूरा बंद हो गया। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री तो कोई नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, ना बर्तन की है ना ऐसे भी है, बाकी जो भी फैक्ट्री। क्या ये जो आप बता रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, लोगों का पलायन, ये सारी चीज़ें इस बार के चुनाव में लोग याद करके वोटिंग करेंगे? भाई अगर याद करके वोट नहीं करेंगे तो फिर अगले साल 5 साल वही का कहानी रहेगी ना। आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही, उसमें सहमत क्या है। बेरोजगारी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगार हैं लोग, कारोबार सब ठप है, मार्केट का उछाल कम है यहाँ, जो भी ये सब त्रस्त हैं लोग अपने में। फिर भी आप जान ही रहे हैं कि आज के डेट में जो चुनाव हो रहा है वो कहाँ विकास, क्या काम, किसके रोजगार पे कहाँ चुनाव हो रहा है। अच्छा, आज के डेट का कहीं सर्वे आप बता दीजिए जो रोजगार पे चुनाव हो रहा है, आवास पे। आज के डेट में आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, इसी पे तो चुनाव हो रहा है। आप बताइए कि जो महिलाएँ बाबू साहब लोग के यहाँ, पंडित जी लोग के यहाँ मजदूरी करके राशन पाती थी, आज चले जाइए खेतों में, अगर जिसके पास सामग्री नहीं है, उसके पास मजदूर नहीं है, 100-100 बीघे के जोता रहे हैं लोग, पड़ती पड़े हुए हैं 20-20 बीघा, 25-25 बीघा, मतलब उनका काम करने वाला कोई नहीं, काम करने वाला कोई नहीं। मजदूर ने सरकार ने तो इतनी ज़्यादा व्यवस्था दे दी है कि अब किसी को काम करने की ज़रूरत भी क्या है। राशन फ्री, सिलेंडर फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री, 1,000 रुपया सम्मान निधि, 2,000 रुपया सम्मान निधि, के लिए तो विकास नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये विकास है ना। बैठे बैठे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं तो ये विकास नहीं है। अब आप बताइए, जा रहे हैं 10 किलो 20 किलो 25 किलो 50 किलो 5-5 साल फ्री राशन खा रहे हैं, ठीक, आवास मिल जा रहा है 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख, 1.5-1.5 लाख, तो ये विकास नहीं है। जहाँ मड़ई गाँव की गाँव मड़ई दिन नज़र आती थी, आज पक्के मकान नज़र आ रहे हैं, तो विकास तो हो ही रहा है। रोड आपको गड्ढे मिलते थे, अब रोड फर्स्ट क्लास चल रहे हैं आप, तो हर चीज़ एक बार थोड़ी ना ठीक हो जाता है। किसी भी गड्ढे, अगर जो कोई गड्ढा आपका 50 फीट गहरा हो तो आप क्या करेंगे, उस गड्ढे को एक दिन में पाट देंगे। एक बात जो सबसे बड़ी उभर करके आती है कहीं भी ग्राउंड रिपोर्ट पर, कि रोजगार हर व्यक्ति का एक वो होता है कि वो उसकी पूरी जीवन यापन, पूरी जीविका रोजगार से चलती है। क्या है भैया आपका, मेहनत क्या है, रोजगार उस पर है। अब मैं पढ़ा हूँ हाई स्कूल और मैं चाहूँगा IAS हो जाऊँगा तो मुझे रोजगार मिल जाएगा? आप बताइए, मेरे भाई 3 रोजगार कर रहे हैं, मैं ड्यूटी नहीं करता हूँ, मैं व्यवसाय करता हूँ, तो क्या कह दूँ कि बेरोजगारी चल रही है? तीनों भाई मेरे जॉब कर रहे हैं। जो जिस लाइन में है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा।
ऐसा हो रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसका फल उसे मिल रहा है, मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, मिल रहा है। आदमी अगर कोई तो काम ये कर 10 साल के अंदर अगर जो जनता काम पे उठ देगी तो भाजपा को 400 पार जाना चाहिए। अगर जो जनता कास्ट फीलिंग को देख के उठ देगी तो हो सकता है 2-4-10 सीट कम हो जाए, यही मामला। नहीं तो यहाँ खलीलाबाद में क्या जी, खलीलाबाद में संत कबीर नगर में यहाँ भाजपा चुनाव जीत रही है। क्यों? भाजपा जीत रही है, जीत रही है। और भी लोगों से बात कर ले, आओ आओ इधर आओ, आ जाओ जाओ। चाचा लोग देखो इधर बैठे हैं, अंकल आपसे बात कर लें। ये आपका आपका घर यहीं बैठे हैं? नहीं नहीं, हम घर हमारा अंदर है। घर अंदर है, शाम को रोज आते हैं इधर बैठे? हाँ हाँ, टहलने आते हैं, वॉकिंग करने की हवा लगे शाम। हाँ, देखते हैं कुछ माहौल वगैरह, चुनाव की गाड़ियाँ दौड़ती होंगी, कोई पार्टी वाला जा रहा है, पार्टी वाला जा, रोड है, आना जाना तो लगा रहता है। इस बार क्या मुद्दा होगा? आप तो ऐसी जगह पे हैं जो खलीलाबाद विख्यात है एक हैंडलूम वर्क के लिए, हथकरघा के लिए, तो यहाँ के जो कारोबारी हैं हैंडलूम का कार है वो कैसा चल रहा है? हैंडलूम का कारोबार तो बहुत बुरा है, अभी बिजली लोग मतलब मुलायम के वक्त में इतनी कम थी तब नहीं दे पा रहे थे, आज इतना ज़्यादा बिजली का दाम बढ़ गया है यूनिट पीछे, उससे लोग परेशान हैं, सूत रुई से परेशान हैं, धागे से मतलब जो धागा आता है, तो कारोबार तो बहुत ख़राब चल रहा है ना। लेकिन भाजपा विकास गिना रही है, सड़क, आवास, नौकरी, राशन, तो क्या ये सारे मुद्दे काम आएंगे या एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा ये मुद्दे काम आएंगे? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, 5 किलो राशन अगर मान लो हमको महीने मिल जाए तो उससे क्या होगा, मान लो हमारे पास 10 परिवार हैं, 5 किलो राशन से कैसे काम चलेगा? फिलहाल खलीलाबाद में इस बार किसका परसेंटेज ज़्यादा लग रहा है आपको? हमारे साथ तो समाजवादी का है। हाँ एकदम, हाँ वो तो क्लियर है वो। क्यों, किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? समाजवादी। मुसलमान किसकी तरफ है? समाजवादी के, समाजवादी बिरादरी सभी में है, मुसलमान समाजवादी में भी है, बहुजन में भी है, ऐसा थोड़े 100% कहीं रहते हैं। बहुजन, वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा है तो क्या मुसलमानों का वोट बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ समाजवादी पार्टी, क्यों नहीं बढ़ सकता भाई, बिरादरी है, बिरादरी बात चल रहा है तो कुछ वोट तो ज्यादा है क्या चाचा? नहीं नहीं बटेगा, लेकिन इतना नहीं बटेगा, परसेंटेज में वोट समाजवादी। हाँ हाँ सही है आप कह रहे हैं। हाँ क्या कुछ वोट? नहीं नहीं, कुछ परसेंटेज वोट तो काटेंगे ही, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा समाज। असल में बेहतर तो वही है ना, समाजवादी है हमारे लिए। मायावती का क्या भरोसा है? अभी अखिलेश का बयान आपने सुना होगा कि उनकी क्या गारंटी है, तब कहाँ चली जाएंगी। अच्छा ये भी बात है भाई, जाहिर आप भी जानते होंगे, अखिलेश का बयान आपने सुना होगा, तो हम भी वही जान रहे हैं कि मायावती का क्या भरोसा है। आज आप उनको वोट दे दें हम, तो कल कहाँ रहेंगे क्या पता है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। ये मुसलमान कहीं ना कहीं इस बात से डर, नहीं नहीं बिल्कुल डर है उस चीज़ का, चाहे बीएसपी से मुसलमान कैंडिडेट क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार लड़ाए हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों अंकल? मतलब जो मुस्लिम कैंडिडेट, मैं ये बोल रहा हूँ, जो मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी है, तो मुस्लिम किधर जाएंगे, ज़्यादा परसेंटेज में किधर जा सकते हैं? इंडिया गठबंधन की तरफ, बदलाव की तरफ। और जो मुसलमान बीएसपी से लड़ रहा है उसके साथ बीएसपी का कोई प्रभाव नहीं? हाँ, उस कैंडिडेट से कोई उतना प्रभाव नहीं, नहीं पड़ेगा, मतलब कैंडिडेट कैंडिडेट देख करके वोटिंग नहीं होगी? नहीं, पार्टी देख करके होगी, पार्टी। अच्छा क्यों, ये सही बात है। आइए, और चाचा लोग हैं। क्यों अंकल, क्या हालचाल है? भैया हमसे ना पूछिए, काहे का हो हम गया? नहीं पूछ कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नाराज क्यों भाई? मैं बहुत दुखी हूँ कारोबार से। दुखी किस कार, कौन सा कारोबार है आपका? ए भैया हमसे ना पूछिए, हम जा रहे हैं, हमारा कारोबार यही जो है बुनकर वाला। अच्छा, है बुनकर वाला, तो बुनकर वाले कारोबार पे ही बात करें, दुखी क्यों है बताइए? हमारा माल नहीं बिकता, जितने लाते हैं पेट पर्दा कैसे चलेगा? अच्छा माल नहीं बिक रहा है? हाँ नहीं बिक रहा है, जितने बिकना चाहिए उतने बिक नहीं रहा है, कैसे क्या करें? मतलब आप जितने का खरीद के ला रहे हैं जब उसको आप बना के तैयार करते हैं, नहीं बोलेंगे तो कम आएगा? ज्यादा बोलेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा, हम नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पावर लूम है, इसमें कपड़े बनते हैं, गमछा बनता है, और जो
पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर भारत की बात कर लो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो गमछा पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं लोग, तो वो हथकरघा उद्योग आज भी यहाँ देखने को मिलेगा। आप मशीनें देख रहे हैं, लाइन से मशीनें लगी हुई हैं। ये सूत हैं, ये रेशे हैं, वो सूती के हैं, कॉटन के हैं। ये रेशे इकट्ठा करके मशीनों से बनाए जाते हैं। पावर लूम है, पहले ये हैंड लूम था, हाथ से बनता था, लेकिन अब ये पावर लूम हो गया, यानी कि मशीनों से बनने लगा है ना। पहले हैंडलूम रहता था, हाथ से इसको करते थे, अब ये पावर लूम हो गया। अब हाथ से बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, और फिर भी जो है जो माल तैयार होता है, बचत नहीं यहाँ पे बजट नहीं। ऑपरेटर है कोई यहाँ पर, कुछ बता सकता है मुझे यहाँ पर दिखा के क्या चीज कैसे क्या होता है कोई? आ जाओ। कैसे अंकल, ये आप चलाते हैं? करके इसको बनाया जाता है। इसमें क्या देखना रहता है ज्यादा करके? वो टूटा वही देखना पड़ता है, अगर कोई तार टूट रहा है हाँ, तो कपड़े को नुकसान कपड़े को नुकसान पहुँचाता है। ये पूरी मशीनरी हो गई है हाँ। इसको हाथ से करते थे हाँ, पहले हाथ से पावर लूम बन गया, हैंड लूम हाँ, पावर लूम बन गया। आप देख रहे हैं कि मशीन है, पावर लूम का काम है। ये गमछा बन रहा है, ये सूत है, इस सूत से मशीनों में डाला जाता है, उसके बाद ये गमछा, तौलिया, लुंगी ये सब तैयार होते हैं, पूरा काम होता है। ये बहुत ही छोटे छोटे उत्पाद से बनते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप दिन सूत की महंगाई वजह से बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, अब बिक्री इतना दाम की हो रही है। अच्छा, मजदूरी नहीं निकल रही है नहीं है, बहुत परेशान आदमी है, लोग भाग रहे हैं छोड़ हाँ। जो आपके बच्चे हैं जो हैं वो इसमें भविष्य नहीं देख रहे हैं क्या? ना है, ऐसा है। क्या नाम है अंकल आपका? हबीबुल अंसारी। अच्छा, यहीं से है? नहीं, हमारा देहात में है। माहौल क्या है इसमें? खलीलाबाद में जो है, यहाँ बुनकरों जो बहुत दिक्कत में है, सारे लूम इनकी सरकार में बंद हो गया। अब मुलायम सिंह सरकार थी जो है, किसानों की तरह बिजली थोड़ा माफ की थी, ये सरकार आई। राशन मुद्दा इस सब चीज पे भारी पड़ेगा? नहीं, राशन मुद्दा नहीं भारी। इस बार क्या होगा? इस समय सरकार आएगी अखिलेश यादव की। फिलहाल हमने आपको खलीलाबाद से, बुनकरों के क्षेत्र से, जहाँ पर पावर लूम है, जहाँ पहले हैंडलूम का काम होता था, कपड़े का काम होता था, वहाँ से मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई। इन सारी रिपोर्ट पर, इन सभी लोगों की बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और मेरी पड़ताल का सहयोग कीजिए। एक निष्पक्ष खबरें देखने के लिए मेरी पड़ताल का साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी पड़ताल को दूर दूर तक पहुँचाइए, जिससे निष्पक्ष और हर एक लोकसभा क्षेत्र की, हर एक ग्राउंड की खबरें आप तक पहुँचती रहें। हम लोग हर एक जगह जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ की खबरें कोई नहीं दिखाता। हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी टीम पूरा मेहनत करती है, दिन रात हम लोग मेहनत करके खबरों को दिखाते हैं। तो आपसे भी हम ये चाहते हैं कि अगर खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक शेयर करें। देखते रहें मेरी पड़ताल।